नमस्कार दोस्तों, कैफे अरुंजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिना गैस जलाए 10 मिनट में बहुत ही अच्छा मिठाई बनाएंगे, वो भी ओरियो बिस्किट से। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। 2 पैकेट ओरियो बिस्किट है, इसको हम इस तरीके से एक बाउल में सारे बिस्किट को हम निकाल लेते हैं। ये बड़ा वाला पैकेट है, ये देखिए सारे बिस्किट को हम क्या करेंगे, इसका ये जो बटर है इस सबको हम निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सबको हम निकाल के अलग कर लेते हैं। बड़े आराम से सब निकल जाता है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम ये सारे जो अंदर में क्रीम है सबको हम निकाल लेते हैं फटाफट। तो अंदर का हम सारा क्रीम निकाल लिए हैं, बिस्किट है इसको हम तोड़ लेते हैं। सारे बिस्किट को इसी तरीके से हम तोड़ के इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। तो ये देखिए अब हम इसमें सबको पीस लेते हैं। तो ये देखिए पाउडर बना लिए हैं, इसको हम छान के देखते हैं। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, तो सारे पाउडर को हम इसमें निकाल लेते हैं। तो ये मलाई है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा मलाई डाल के पहले हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देते हैं। ये फ्रिज का बटर नहीं है, नॉर्मल है, पिघला हुआ भी नहीं रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर रहना चाहिए। और इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे, ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा। इस तरीके से ये घर का मलाई है, इसको हम चम्मच से फेंट लिए हैं, इसी को हम थोड़ा थोड़ा देके इसमें मिला देते हैं, एक साथ नहीं डालना है। इस तरीके से इसमें हम दूध नहीं दिए हैं, मलाई से ही हो गया है। इसको हम आटे की तरह अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तभी इसमें शाइनिंग आएगा। बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए कितना सॉफ्ट डो लग गया है।
जितना हाथ से आप मलिएगा उतना इसमें शाइनिंग आएगा। इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो क्रीम है इसमें हम नारियल का बुरादा लिए हैं, इसमें हम नारियल का बुरादा आपको हम नाप के बता देते हैं कितना लेना है हमको। देखिए डेसिकेटेड नारियल का बुरादा है, फीलिंग उसका बनाना है। ये 2 कटोरी हम लिए, बिल्कुल छोटी कटोरी से। इसमें हम डाल देंगे शुगर, पिसी हुई चीनी है 1 चम्मच और ये थोड़ा सा बटर, सबको मिक्स कर देते हैं इसी में। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। ये देखिए 1 चम्मच दूध डाले हैं, कम लगेगा हम और डालेंगे। इस तरीके से हम सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक टिन लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं इस तरीके से। और ये बटर पेपर हम इसमें डाल देते हैं इस तरीके से, इस पर भी हम लगा देते हैं। ये जो है बैटर इसको हम आधा आधा कर लेंगे 2 भाग में। और आधा भाग को हम इस पर इस तरीके से दबा दबा के आप चाहें तो इसे नीचे रख के बेलन भी चला सकते हैं। ये देखिए इसकी सहायता से हम इसको पूरे फैला लिए हैं। अब ये जो मिश्रण है इसमें हम
दो चार बूंद वनीला एसेंस डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस दो चार बूंद। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब ये सारे मिश्रण को हम इस पर फैला देंगे। देखिए इस तरीके से इस पर हम रख के सारे मिश्रण को दबा दबा के उसी प्लेट से हम फैला देंगे अच्छे से। जितना मिश्रण है बचाना नहीं है, सबको इस पर फैला देना है। इसी प्लेट से फिर हम सबको दबा देते हैं। ये मिश्रण अच्छे तरीके से बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये फैल गया। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम नीचे ही थोड़ा सा कर लेते हैं, तब उस पर हम डालेंगे। हाथ से ही फैला लेते हैं इस तरीके से, फैला के फिर उस पर हम ऊपर से लेयर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इससे हम दबा दबा के सबको बराबर कर दिए हैं। सेट हो जाने के बाद हम चारों तरफ से कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख देते हैं, जहाँ बर्फ जमता है वहीं पे ढक के इसको हम रख देते हैं। हम देखिए आधा घंटा के बाद इसको निकाल के लाए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं इस पर। साइड से हम छुड़ा देते हैं। थोड़ा सा रहने देते हैं इस तरीके से। देखिए ये निकल गया है। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए देखिए ये कितना अच्छा मिठाई बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सबको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा ये बर्फी बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल चॉकलेट जैसा लग रहा है, एकदम बाजार का चॉकलेट जैसा। तो ये बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।